हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रिटेल ग्राफ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से गारमेंट स्टोर के ऊपर वर्किंग की जाती है। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने से पहले मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं। रिटेल ग्राफ का फ्रंट एंड माइक्रोसॉफ्ट .NET प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और बैक एंड SQL सर्वर पे। रिटेल ग्राफ को सिंगल स्टोर और मल्टीपल स्टोर्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मान लीजिए आपके 50 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और आप उनकी वर्किंग सेंट्रलाइज तरीके से करना चाहते हैं तो वो रिटेल ग्राफ में पॉसिबल है, जिसके अंदर आपको सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग, सेंट्रलाइज प्रमोशन, सेंट्रलाइज इन्वेंट्री कंट्रोल, सेंट्रलाइज रेट कंट्रोल, सेंट्रलाइज मास्टर्स, सेंट्रलाइज प्रमोशंस, सेंट्रलाइज कस्टमर पॉइंट्स जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। रिटेल ग्राफ को रिटेल सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, फ्रेंचाइजी और CNF सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब मैं बताता हूं रिटेल ग्राफ किन किन सेगमेंट्स में यूज होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर, केमिस्ट फार्मेसी स्टोर्स, मोबाइल स्टोर्स, रेडीमेड गारमेंट स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, FMCG स्टोर्स, ऑटो पार्ट्स, गिफ्ट स्टोर्स, होम्योपैथी स्टोर्स, रेडीमेड रिटेल ज्वेलरी स्टोर्स, होम फर्निशिंग स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर्स, शू स्टोर्स, स्पोर्ट्स स्टोर, बुक स्टोर, कंसाइन जॉब वर्क्स, ब्रांच एंड CNFs, होलसेल एंड सेमी होलसेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो ये वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे रिटेल ग्राफ यूज किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट एडमिन और एडमिन रहेगा। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के बाद आपको अपनी इनिशियल स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप सॉफ्टवेयर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। अब इनको मैनेज हम लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है कि जैसे सेल्स है तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सेल्स में मिलेंगे, और जो आपको ऑप्शंस सेल्स में मिलेंगे वो है सेल्स इनवॉइस। अगर मैं सेल्स इनवॉइस को ओपन करता हूँ तो इसका विंडो इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। सेल्स इनवॉइस के बाद सेल्स इनवॉइस टच स्क्रीन, अगर आप टच स्क्रीन मॉड्यूल में जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। सेल्स ऑर्डर वेरिफिकेशन, सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर टच स्क्रीन, कोटेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर, परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स चालान, सेल्स चालान टच स्क्रीन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आउट, ब्रांच ट्रांसफर आउट, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिप्लेसमेंट, सेल्स क्रेडिट नोट, सेल्स क्रेडिट नोट टैक्स इनवॉइस, सेल्स डेबिट नोट, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न इन, ब्रांच ट्रांसफर रिटर्न इन, ब्रांच ट्रांसफर ऑर्डर इन, कन्वर्ट ऑर्डर टू इनवॉइस, कन्वर्ट चालान टू इनवॉइस, इनवॉइस समरी, काउंटर सेल्स, एकोमोडेशन लेआउट, एडवांस बुकिंग। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे सेल्स के अंदर। जब भी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ब्रांच ट्रांसफर करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांच पे जाके ऑटो अपडेट हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अपनी ब्रांच में इनवॉइस खोल के बिलिंग कर सकते हैं। तो ये थे ऑप्शन जो कि आपको सेल्स में मिलेंगे। उसके बाद आता है परचेज। परचेज के अंदर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो है परचेज इनवॉइस। अगर मैं परचेज इनवॉइस को विंडो को ओपन करता हूँ तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी डिटेल भी हम लोग आगे देखेंगे। परचेज इनवॉइस के बाद परचेज ऑर्डर वेरिफिकेशन, परचेज ऑर्डर, ऑर्डर बुक, परचेज चालान, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इन, ब्रांच ट्रांसफर इन, परचेज रिटर्न, परचेज रिप्लेसमेंट, परचेज डेबिट नोट, परचेज डेबिट नोट टैक्स इनवॉइस, परचेज क्रेडिट नोट, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न आउट, ब्रांच ट्रांसफर रिटर्न आउट, ब्रांच ट्रांसफर ऑर्डर आउट, कैलकुलेट सेल्स रेट, रीसेट सेल्स रेट, क्रिएट RCM इनवॉइस। परचेज के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीसेट सेल्स रेट का। मान लीजिए आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी रेट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ अपडेट करने के लिए आपको रीसेट सेल्स रेट ऑप्शन यूज आएगा। तो ये ऑप्शन है परचेज में।
नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट कन्वर्जन। प्रोडक्ट कन्वर्जन का विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। प्रोडक्ट कन्वर्जन का मतलब होता है आप बल्क क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को पैकेट्स फॉर्म में बना के बेच सकते हैं। इसके साथ में जो इन्वेंट्री में ऑप्शंस हैं वो है इश्यू लोकेशन ट्रांसफर, रिसीव लोकेशन ट्रांसफर, इश्यू इंडेंट लोकेशन ट्रांसफर, रिसीव इंडेंट लोकेशन ट्रांसफर, रिकंसाइल करंट स्टॉक, शॉर्टेज, सरप्लस। शॉर्टेज और सरप्लस का मतलब होता है मान लीजिए आपके फिजिकल स्टॉक और सॉफ्टवेयर में जो आपको स्टॉक दिखा रहा है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैच कराने के लिए शॉर्टेज और सरप्लस काम आता है। ओपनिंग स्टॉक एंट्री, रिकंसाइल ओपनिंग स्टॉक, कैलकुलेट स्टॉक वैल्यू। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे इन्वेंट्री में। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट का मतलब होता है आपके कस्टमर्स की पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको रिसिप्ट में मिलेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है रिसिप्ट। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो इसका विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पे आप अपने कस्टमर्स का पेंडिंग अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो ऑप्शंस आपको रिसिप्ट में मिलेंगे वो है रिसिप्ट एंट्री, डिपॉजिट चेक्स, डिसऑनर्ड चेक्स, रिटर्न चेक्स, पेंडिंग सेल्स, ओपनिंग बैलेंस, पीडीसी टू डिपॉजिट, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल एजिंग्स, रिकंसाइल रिसीवेबल्स, मार्केटिंग ग्रुप वाइड आउटस्टैंडिंग। तो ये ऑप्शन से रिसिप्ट के। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर आपके वेंडर के पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है पेमेंट्स। पेमेंट को अगर मैं ओपन करता हूं तो इसका विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर आप अपने वेंडर के पेमेंट से रिलेटेड जो अमाउंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो है चेक क्लियर्ड, चेकबुक, पेंडिंग परचेस बिल, ओपनिंग बैलेंसेस, पीडीसी टू क्लियर, पेएबल्स, पेएबल एजिंग्स, रिकंसाइल पेएबल्स। उसके बाद आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, बैंक रिकंसाइलेशन, जनरल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, काउंटर वाउचर और वेरीफाई वाउचर्स के थ्रू। इसके बाद आता है पेरोल। पेरोल के अंदर आप अपने स्टाफ की सैलरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी बीटा। जीएसटी बीटा के थ्रू आप अपनी रिटर्न्स को गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने दो तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी एक्सेल और जेएसएन फाइल को एक्सपोर्ट कर लें और उसे गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर अपलोड कर दें। दूसरा तरीका है जीएसटी रिटर्न भरने का कार्वी के थ्रू। आप कार्वी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके अपनी फाइल्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू। व्यू के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे दी गई है। व्यू का मतलब होता है कि आप इन क्वेरीज की कोर हिस्ट्री देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोडक्ट क्वेरी की हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो मैं प्रोडक्ट क्वेरी का फॉर्म ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम डाल के या फिर डायरेक्ट बारकोड स्कैन करके यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। व्यू करने पे मुझे इस प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे देगी। अगर मैं रिसीव पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं एक ही विंडो से मल्टीपल विंडोज के अंदर लिंक होता होता इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिसीव पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव की पूरी डिटेल आ गई मेरे पास। यहाँ पे मुझे परचेस इनवॉइसेस दिखा देगा जिस इनवॉइस के अंदर मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया हुआ है, किस वेंडर से, कौन सी डेट पे, कौन सी एंट्री नंबर, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे है। अगर मुझे इस परचेस इनवॉइस को एक्सेस करना है तो मैं इस परचेस इनवॉइस के ऊपर डबल क्लिक करके इस बिल को भी ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी पूरी बिल की हिस्ट्री देख सकता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि आप एक ही विंडो से मल्टीपल विंडोज के अंदर लिंक होते होते प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इश्यूड पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे सारी की सारी सेल्स इनवॉइस देख सकता हूँ जिस इनवॉइसेस के अंदर मैंने इस प्रोडक्ट को बेचा है, कौन सा कस्टमर, कौन सी डेट, कौन सी एंट्री नंबर, वो सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं कोई भी बिल पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं उस बिल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं हर एक ऑप्शन की कोर डिटेल देख सकता हूँ। तो जो ऑप्शंस मेरे को व्यू में मिलेंगे वो है एमआईएस व्यू, प्रोडक्ट क्वेरी,
कस्टमर क्वेरी, वेंडर क्वेरी, रेट एंड स्टॉक क्वेरी, रेट एंड स्टॉक क्वेरी लोकेशन वाइज, स्टॉक क्वेरी, ट्रांजेक्शन क्वेरी, यूनिक आईडी क्वेरी, रेफर बाय क्वेरी सेल्स, रेफर बाय क्वेरी परचेज, प्रोडक्ट डिटेल, अकाउंट बैलेंसेस, अकाउंट ट्रांजेक्शंस, प्रिंट बारकोड, अलर्ट मैसेजेस, मिसिंग एंट्री नंबर। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे व्यू के अंदर। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स को भी हमने इसी तरीके से मैनेज कर रखा है। सेल्स में सेल्स की रिपोर्ट, परचेज में परचेज की रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट्स, अकाउंट्स में अकाउंट्स रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट तक पूरा अकाउंट्स मिलेगा। साथ ही आपको डे बुक्स मिलेंगी, जिसके अंदर आप इंडिविजुअली टैक्स रिपोर्ट देख सकते हो। साथ ही आपको परचेस रजिस्टर और सेल रजिस्टर को भी एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो है सेल्स एंड स्टॉक समरी वाइज, स्टॉक डिटेल, स्टॉक एजिंग्स, नॉन सेलेबल गुड्स इन स्टॉक, होल्ड स्टॉक, नॉन मूविंग आइटम्स, एक्सेस स्टॉक, एक्सपायरी डिटेल, नियर एक्सपायरी गुड्स परचेज, वेंडर वाइज नियर एक्सपायरी, रीऑर्डर डिटेल, फास्ट मूविंग आइटम्स, मिनिमम क्वांटिटी बेस्ड वेंडर रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक लेजर, एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स, इंडेंट रिपोर्ट्स, स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट, प्राइस लिस्ट, स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स आपको मिलेगी इन्वेंटरी रिपोर्ट्स के अंदर। उसके बाद प्रॉफिट रिपोर्ट्स हैं, मंथ वाइज, डेट वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इनवॉइस वाइज, करंट स्टॉक वाइज। साथ ही आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट्स को शेड्यूल करने का। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप जो रिपोर्ट्स हैं उनको खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके उसके रोज उसके कॉलम सेट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। उसके बाद आता है कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट डेटा ऑप्शन आपके वहां काम आता है जब आप अपनी बहुत सारी ब्रांचेस की वर्किंग सेंट्रलाइज तरीके से कर रहे होते हैं। इस ऑप्शन के बाद आता है मास्टर्स। मास्टर्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के अंदर आप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज, टैक्स कैटेगरीज, एचएसएन कोड्स अगर बनाते हैं। कस्टमर वेंडर के अंदर आप कस्टमर और वेंडर्स की मास्टर्स बनाते हैं। अकाउंट्स के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट्स बनाते हैं। लोकेशंस के अंदर आप अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को डिफाइन करते हैं। रिसोर्सेज के अंदर आप यूजर और रोल बनाते हैं। यूजर और रोल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूं। यूजर और रोल्स आप सॉफ्टवेयर के अंदर अनलिमिटेड यूजर्स और अनलिमिटेड रोल्स के साथ बना सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ यूजर्स बने हुए हैं जिनको मैंने कुछ नाम दे रखा है, जैसे कि सेल्स मैनेजर, पेरोल मैनेजर, इन्वेंटरी मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर। तो ये हो गए मेरे यूजर्स। रोल्स का मतलब होता है कि मान लीजिए सेल्स मैनेजर को मैं एडिट करता हूं, तो यहाँ पे ये इसके रोल्स हैं। रोल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं सेल्स पे क्लिक करता हूं और ये जो पर्टिकुलर यूजर है जो कि सेल्स मैनेजर है, ये क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता है, तो वो रोल्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ टिक और अनटिक करके। जैसे कि अगर ये सेल्स मैनेजर सेल्स इनवॉइस के अंदर ऐड कर सके या नहीं कर सके, सेल्स इनवॉइस को एडिट कर सके या नहीं कर सके, सेल्स इनवॉइस को डिलीट कर सके या नहीं कर सके, एक बार प्रिंट होने के बाद उसको रीप्रिंट कर सके या नहीं कर सके, तो इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं आप इनको टिक और अनटिक करके डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस आप टिक करेंगे तो ये जो मेरा सेल्स मैनेजर है वो उन्हीं ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएगा, और जो ऑप्शंस आप इसको अनटिक कर देंगे तो वो ऑप्शंस ना तो उसे दिखेंगे ना ही वो एक्सेस कर पाएगा। साथ ही साथ जो ऑप्शंस आपको एडमिन पैनल में दिख रहे हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं और जैसे एक एग्जांपल लेता हूं जैसे सेल्स, तो आपको जो इतने सारे ऑप्शंस सेल्स में दिख रहे हैं आप इनको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी यूजफुल नहीं है और विजिबिलिटी में नहीं चाहिए, तो आप उन ऑप्शंस को वहीं से रोल्स में जाकर टिक और अनटिक करके कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इस विंडो को भी और इन ऑप्शंस को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो रिसोर्सेस में यूजर्स और रोल्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आता है अदर्स। अदर्स के अंदर आपको सेल प्रमोशंस
एक्टिविटीज मिलेंगी, जैसे कि 50% ऑफ, एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, कस्टमर पॉइंट्स, किसी पर्टिकुलर अमाउंट के बिल के ऊपर कुछ डिस्काउंट। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं प्रमोशन से रिलेटेड, वो सब अदर्स में क्रिएट होंगी। मास्टर्स के बाद आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो है डेटा बैकअप मैनुअली लेने का तरीका, लॉग बैकअप, लॉग्स। लॉग्स के अंदर मान लीजिए आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक्टिविटी ट्रेस करनी है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके कोई यूजर से कोई गलती से कोई बिल डिलीट हो गया है, आप देखना चाहते हैं कि वो किस यूजर से डिलीट हुआ है और कब हुआ है और किस टाइम पे हुआ है, तो आप लॉग्स के थ्रू हर एक स्टेप को सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेस आउट कर सकते हैं। आप एक एक स्टेप को देख सकते हैं कि कब किस यूजर ने क्या एक्टिविटीज की, तो आप हर एक स्टेप को ट्रेस आउट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऑप्शंस में, साथ ही आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का, अगर आपकी ब्रांचेस या यूजर्स हैं तो उनको यूजर चेंज करने का, ब्रांच चेंज करने का, तो ये सब ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स के अंदर एसएमएस और ईमेल की फैसिलिटीज हम लोगों ने दे रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर या वेंडर्स को एसएमएस या ईमेल्स के थ्रू कोई नोटिफिकेशन आप भेजते रहें, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। साथ ही आप इनको शेड्यूल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई वेंडर को कोई रिपोर्ट भेजनी है, या कोई बर्थडे या फिर कोई एनिवर्सरी का नोटिफिकेशन या ईमेल एसएमएस के थ्रू भेजना है, तो आप वो भी कर सकते हैं शेड्यूल। अगर आपको कोई वेंडर को रिपोर्ट भेजनी है तो आप रिपोर्ट सेलेक्ट करके ईमेल और एसएमएस सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ट्रांजेक्शन की आपको रिपोर्ट भेजनी है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन हैं सारे के सारे, कौन से फाइल कौन से अटैचमेंट के अंदर होनी चाहिए, एक्सेल, एचटीएमएल, पीडीएफ, आरटीएफ, टेक्स्ट फाइल, जैसी भी आपको अटैचमेंट टाइप चाहिए उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ, वीक, टाइम, डेट, आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार उसको सेट कर दिया यहाँ पे, आप इसको सेव करेंगे तो बैकएंड के अंदर ये जो शेड्यूल है ये ऑटोमेटिक काम करता है, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे टूल्स के अंदर। टूल्स के बाद आता है हेल्प। हेल्प के अंदर आपको अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अस के अंदर दिखेगी, जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल होगी। शॉर्टकट कीज दिखेंगी, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऑप्शंस को एक्सेस करने के शॉर्टकट कीज का डिटेल दे रखा है, तो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप टीम वेयर पे कनेक्ट कराना चाहते हैं कस्टमर केयर के अंदर, तो ऑनलाइन सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग गाइड के थ्रू आप ऑप्शंस को देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर के ट्रेनिंग गाइड के अंदर किस तरीके से हम लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं किसी चीज को यूज करने के, तो आपको ट्रेनिंग गाइड में मिलेंगे। तो इस तरीके के ऑप्शंस हम लोगों ने मेन्यू के अंदर दे रखे हैं, हेल्प मेन्यू के अंदर। तो ये थे सॉफ्टवेयर के फीचर्स जो कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे, और उनको किस तरीके से हम लोगों ने मैनेज कर रखा है वो भी हमने देखा। आपने देखा होगा कि एक ही ऑप्शंस के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से सेट कर रखा है कि मान लीजिए सेल्स इनवॉइस है, आपके डेली बेसिस पे काम आता है, तो आप अगर इस पे माउस का राइट क्लिक करते हैं तो इसे पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं और सेंड टू डेस्कटॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ही मैं सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा तो मेरा शॉर्टकट आइकन मेरे डेस्कटॉप पे बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं परचेस इनवॉइस मेरे डेली बेसिस पे काम आती है, तो मैं परचेस इनवॉइस पे राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप करूंगा तो मेरे डेस्कटॉप पे आइकन्स बनते जाएंगे जो जो मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करके उन आइकन्स पे डबल क्लिक करके उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। साथ ही आप देख सकते हैं कि टास्क बार के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस प्री डिफाइंड दे रखे हैं जो कि सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। अगर आप अपना माउस का पॉइंटर इनके ऊपर लेके जाते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि ये ऑप्शंस किस चीज के लिए हैं। इनके ऊपर क्लिक करके आप इन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक ऑप्शन और दे रखा है जो कि है मल्टीपल विंडोज का। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी मल्टीपल विंडोज बनना स्टार्ट होंगी, जैसे कि ये अदर्स की विंडो है। फिर से क्लिक करने पे एनालिसिस की विंडो। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंचाइजी है, उस फ्रेंचाइजी के ऊपर आप अपनी फर्म का वॉलपेपर या फिर अपने फर्म के लोगो का वॉलपेपर सेट करके रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे आइकन भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो जो आइकन उस फ्रेंचाइजी पे काम आते रहते हैं उनके शॉर्टकट आइकन बना के आप रख सकते हैं। फिर से क्लिक करने पे ट्रांजेक्शन की विंडो आ जाएगी और ये मेन विंडो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल विंडोज बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। साथ ही हमने एक आई नोटिफिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अगर इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी अपडेट्स और नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
तो ये थे RetailGraph का यूजर इंटरफेस कि क्या क्या ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे और किस तरीके से उन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि RetailGraph के अंदर गारमेंट स्टोर के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम किया जाता है। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद हम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके मास्टर्स ऑप्शन में आकर इन्वेंटरी में आकर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट मास्टर दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मास्टर एक्सेल पैटर्न के जैसे बना हुआ है। आप इन कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा और छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट ब्रांड के पहले चाहिए तो आप प्रोडक्ट को ड्रैग करके ब्रांड के पहले ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। साथ ही मान लीजिए आपको लगता है कि ये कॉलम्स कुछ ज्यादा हैं या फिर कम हैं या फिर इनके अलावा कुछ और कॉलम्स आपको यहाँ पे चाहिए, तो माउस का राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा सेट ग्रिड लेआउट, जो कि हर फॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। इसको सेलेक्ट करके आप ऑप्शंस को टिक और अनटिक कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको चाहिए उस पर टिक करके और जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए उस पर आप अनटिक कर दीजिए। तो मान लीजिए मेरे को ये प्रोडक्ट कन्वर्जन वाला जो ऑप्शन आ रहा है मेरे पीछे, ये मुझे अपने यूआई के अंदर नहीं चाहिए, इस पर मैंने अनटिक किया और सेव कर दिया, तो ये मेरे पीछे से डिसेबल हो जाएगा। साथ ही हमने कुछ शॉर्टकट्स यहाँ ऊपर दे रखे हैं जिनको आप क्लिक करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपने माउस का पॉइंटर इनके ऊपर ले जाएंगे तो इनकी डिटेल आपको दिखती रहेगी कि ये किस चीज के लिए है। मान लीजिए आपको नया प्रोडक्ट बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को एडिट करना है तो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है तो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके फॉर्म व्यू पे क्लिक करके उसे डिटेल में देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रिंट और रिफ्रेश ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट कैसे बनता है। यहां पे मैंने एक प्रोडक्ट बना रखा है, मैं उसको एडिट करके आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो ये मेरा प्रोडक्ट मास्टर है। सबसे पहले मैंने मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग कंपनी का नाम डिफाइन कर रखा है जो कि मेरे को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कैटेगरी के अंदर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। अब इस कैटेगरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी सेल टैक्स और परचेस टैक्स दोनों ही सेट कर रखे हैं। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट का नाम यहाँ डिफाइन कर रखा है और साइज और स्ट्रेंथ यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। अब जो प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है वो उसकी कैटेगरी के थ्रू लगता है, तो जो टैक्स इस कैटेगरी के ऊपर लग रहा होगा वो ऑटोमेटिक इस प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगा। तो RetailGraph के अंदर जो प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है वो उसकी कैटेगरी के थ्रू लगता है। साथ ही मैंने इसकी MRP, सेल रेट और परचेस रेट तीनों ही यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। ये मैंने इसलिए डिफाइन कर रखी है ताकि एट द टाइम ऑफ परचेस मेरे को ये रेट्स ऑटोमेटिक वहां पे मिल जाए। अगर आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और परचेस के टाइम पे इसे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे रेट्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है और परचेस के टाइम पे ये रेट्स चेंज हो जाती हैं, तो आप इसे परचेस के टाइम पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। साथ ही मुझे साइज और कलर चाहिए तो मैंने दोनों पे ही टिक कर रखा है। इस तरीके से मैंने सारी प्रोडक्ट की डिटेल डाली। अगर आप चाहें तो इसकी प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इंसर्ट करने के बाद मैं सेव करूंगा, तो मैं जैसे ही सेव करूंगा तो ये मेरा प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट मास्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से RetailGraph के अंदर प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद अब हम परचेज इनवॉइस देखेंगे। तो परचेज इनवॉइस को एक्सेस करने के लिए मैंने परचेज इनवॉइस के आइकन पर डबल क्लिक किया, तो इस तरीके से मेरा परचेज इनवॉइस दिखाई देता है। अब परचेज इनवॉइस की बिलिंग करने से पहले मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल से दिखा देता हूं। परचेज के अंदर आप देखेंगे तो हमने ऊपर बहुत सारे शॉर्टकट आइकन्स यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप अपने माउस का पॉइंटर इनके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि ऑप्शंस किस चीज के लिए हैं। मान लीजिए आपका कोई वेंडर है, उसका कोई चालान या फिर ऑर्डर आपको क्लियर करना है, तो आप यहीं से इसी स्क्रीन से चालान और ऑर्डर को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिटर्न को एडजस्ट करना है या फिर कोई प्रमोशन अप्लाई करना है, टैक्स डिटेल देखनी है, शिपिंग डिटेल्स डालनी है, पेमेंट डिटेल्स को अप्लाई करना है, प्रमोशन डिटेल्स डालनी है, तो आप यहीं से इनको एक्सेस कर सकते हैं। आपको दूसरे ऑप्शंस में जाके या फिर इनके मास्टर्स में जाके आपको वो एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से इन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई मंथ वाइज, डेट वाइज, पार्टी वाइज, एंट्री वाइज, लास्ट 7 डेज इनके बिल देखने हैं, तो आप यहीं से इन पे क्लिक करके इन बिल्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई ग्रिड सेट करना है तो आप यहीं से ग्रिड भी सेट कर सकते हैं।
हिस्ट्री के अंदर आकर आप प्रोडक्ट और वेंडर के हिस्ट्री देख सकते हैं। रिव्यू के अंदर आकर आप लॉट डिस्काउंट, बिल अमाउंट्स, आपके जो ट्रेड डिस्काउंट्स हैं, रेट हाइक्स हैं, मार्जिन डिटेल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। रेफरेंसेस के अंदर आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं, रीऑर्डर रेफरेंसेस कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर आप एसएमएस कर सकते हैं, लॉग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा कर सकते हैं, बारकोड डिजाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट सेल्स रेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आकर आप परचेस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मास्टर डेटा के अंदर आकर आप ट्रांजेक्शन सीरीज बना सकते हैं, वेंडर के अंदर जा सकते हैं, कस्टमर बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमने इसी विंडो पे दे रखे हैं परचेस के ऊपर, ताकि आपको कोई दूसरी विंडो पे जाके उन्हें एक्सेस ना करना पड़े। तो अब हम देखते हैं कि परचेस किस तरीके से की जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले मुझे नेम के अंदर वेंडर का नाम सेलेक्ट करना होगा। वेंडर का नाम सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होगा। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ चीज परचेस करेंगे तो वेंडर आपको एक बिल देगा जिसके अंदर रसीद नंबर या फिर इनवॉइस नंबर होता है, जो कि हर बिल का यूनिक होता है। मुझे वो यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करके प्रोडक्ट की डिटेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसकी जो ट्रांजेक्शंस लास्ट ट्रांजेक्शंस हैं वो यहाँ पे आपको नीचे दिखते रहेंगे कि आपने किस वेंडर से लास्ट टाइम खरीदा था, किस एमआरपी में खरीदा था, कितनी क्वांटिटीज खरीदी थी, कौन सी डेट पर खरीदी थी। तो यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्स दिखती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने कलर में इसका प्रोडक्ट का कलर डाला, एमआरपी, सेल रेट और परचेस रेट तीनों ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगी जो मैंने मास्टर्स में डाल रखी है। मान लीजिए ये रेट्स आपके परचेस के टाइम पे बदल जाती हैं तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्वांटिटी पे आऊंगा तो यहाँ पे मैं अपनी साइज के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटीज को सेलेक्ट कर सकता हूँ। साथ ही इनकी रेट जो है परचेस रेट और एमआरपी और सेल रेट ये भी आपको यहीं पे दिखती रहेंगी। मान लीजिए आपको इन कॉलम्स में और ऑप्शंस ऐड करने हैं या फिर कुछ ऑप्शंस को हटाना है तो सेट ग्रेड लेआउट ऑप्शन में आकर माउस का राइट क्लिक करके आप ऑप्शंस को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लॉट डिस्काउंट का ऑप्शन मेरे यूआई के अंदर नहीं चाहिए तो मैंने लॉट डिस्काउंट को अनटिक करके सेव करा तो मेरा लॉट डिस्काउंट पीछे से हट जाएगा। मान लीजिए क्वांटिटी का जो कॉलम है इसको आप रेट के पहले रखना चाहते हैं तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो व्यू है इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल्स को इंसर्ट किया, इस बिल को सेव कर दूंगा तो मेरा बिल सेव हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको मान लीजिए कोई पुराने बिल्स में कोई मॉडिफिकेशन करना है या कोई बिल को एक्सेस करना है तो आप सेकेंड नंबर व्यू में आकर मंथ वाइज, डेट वाइज, एंट्री वाइज, करंट ईयर वाइज, पार्टी वाइज, लास्ट 7 डेज के बिल को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं करंट ईयर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे इस साल जितने भी बिल बने वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाएंगे। कोई भी बिल पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा बिल खुल जाएगा। इसके अंदर आप नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं परचेज। अब हम देखेंगे सेल्स इनवॉइस। तो ये मैं सेल्स इनवॉइस के आइकन पे डबल क्लिक करके सेल्स इनवॉइस को ओपन कर रहा हूं। तो ये है मेरा सेल्स इनवॉइस का स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल्स इनवॉइस और परचेस इनवॉइस का स्क्रीन दिखने में बिल्कुल सेम है। जो ऑप्शंस आपको परचेस में मिले थे वो के वो आपको सेल्स में मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे परचेस से रिलेटेड ऑप्शंस है, यहां पे सेल्स से रिलेटेड ऑप्शंस है। तो सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। तो आप यहीं से इन आइकन्स पे क्लिक करके इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कस्टमर के नाम से बिल नहीं बनाते तो वॉक इन कस्टमर के नाम से बिल बनते हैं। कस्टमर का नाम सेलेक्ट करने के बाद अगर आप बार कोडिंग से बिलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बार कोड स्कैन करना है और प्रोडक्ट की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की डिटेल्स डालने के बाद आपको बिल सेव करना होगा तो आपका बिल सेव हो जाएगा। आप जो कस्टमर्स को बिल देते हैं वो भी हम लोग अपने एंड पे आपको बना के देते हैं। एट अ टाइम ऑफ सेविंग
ये आपको पूछेगा कि जो बिल है वो ऑन कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक या फिर कार्ड से किस पेमेंट मोड से पे हो रहा है, उस पर टिक करके आप सेव करेंगे तो आपका बिल सेव हो जाएगा। ये एक सैंपल है जो कि आप कस्टमर्स को बिल देते हैं उसका, ये हम आपके प्रिंटर और पेपर साइज के अकॉर्डिंग बना के आपको देते हैं। तो जैसी डिजाइनिंग, जैसा लोगो, फोन, आपकी फॉर्म का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सब हम लोग यहाँ से अपने एंड पे आपको बना के देते हैं। तो ये डेमो है, सैंपल जो हमने इसमें बना रखा है। सेम ऑप्शंस सेल्स के अंदर भी हैं। अगर आपको इन कॉलम्स को कम और ज्यादा या फिर कोई ऑप्शंस ऐड करने हैं तो आप सेट ग्रेड लेआउट ऑप्शन में आकर अपने ऑप्शंस को टिक करके और अनटिक करके सेट कर सकते हैं। अगर आपको पुराने बिल देखना है या कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं उसमें, तो आप मंथ वाइज, डेट वाइज, एंट्री वाइज, करंट ईयर वाइज, पार्टी वाइज, लास्ट 7 डेज बिल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी बिल को ओपन करना है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो आप सिंपली उस बिल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं और वो चेंजेस कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। अब मान लीजिए आप बिलिंग करना चाहते हैं और कस्टमर का मास्टर्स मेंटेन नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली कस्टमर का नेम यहां पे टाइप कर सकते हैं। अगर उसका एड्रेस या फोन नंबर आपको मेंशन करना है तो आप यहां पे उसे मेंशन कर सकते हैं। और डायरेक्ट या तो प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करके या फिर मैन्युअली सेलेक्ट करके आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके या क्वांटिटी मेंशन करके इस बिल को सेव कर सकते हैं। तो आपका बिल सेव होके प्रिंट हो जाएगा। तो हमने पूरा एक ट्रांजेक्शन देखा जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने प्रोडक्ट को परचेस किया और परचेस करने के बाद हमने प्रोडक्ट को सेल कर दिया। हम देखेंगे कि रिटेलग्राफ सॉफ्टवेयर के अंदर परचेस ऑर्डर किस तरीके से काम करता है। तो ये मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके परचेस में आकर परचेस ऑर्डर को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा परचेस ऑर्डर का विंडो है। अब परचेस ऑर्डर देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप यहीं से डायरेक्ट वेंडर का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो आपका परचेस ऑर्डर बन जाएगा। दूसरा तरीका है ऑटो जनरेट। ऑटो जनरेट के अंदर आपका री ऑर्डर रिपोर्ट निकल के आएगा। इसके अंदर आप दो तरीके से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। पहला है मैक्सिमम डेज और मिनिमम डेज के अकॉर्डिंग और दूसरा है मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आप इसके अंदर अपने शो बेस्ट वेंडर के थ्रू भी रीऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप नॉट ऑर्डर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहां पे आप अलग अलग तरीके की रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को इन कलर्ड बॉक्सेस पे लेके जाता हूं तो ये किस बेसिस पे मेरे को रिपोर्ट निकाल के देंगे वो उसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो किन प्रोडक्ट्स पे मुझे एक्शन लेना है, किन प्रोडक्ट्स को मेरे को चेक करना है और कौन से प्रोडक्ट्स मेरे ओके हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग मेरी रिपोर्ट निकल के आएगी। तो जैसे जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे इन बॉक्सेस की डिटेल मेरे सामने आ रही है, तो उसी अकॉर्डिंग इन पे क्लिक करने के बाद में मेरी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो ये था परचेस ऑर्डर का तरीका। उसके बाद में हम देखेंगे रिसीवेबल एजिंग्स। रिसीवेबल एजिंग्स का मतलब होता है कि जिन जिन कस्टमर से आपको कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर पेमेंट कलेक्ट करना है उनकी डिटेल किस तरीके से देखी जाती है। तो ये रिसीवेबल एजिंग्स पे मैंने क्लिक किया, सॉफ्टवेयर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद रिसिप्ट में आके रिसीवेबल एजिंग्स, यहाँ पे मैंने कुछ एजिंग्स में डेज को डिफाइन कर रखा है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। डेज डिफाइन करने के बाद मैं जैसे ही व्यू करूंगा तो मेरे उन कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी जिनको मेरे जिनका ड्यू अमाउंट पड़ा है और जिनसे मेरे को पेमेंट कलेक्ट करना है 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर या फिर उससे ज़्यादा, तो उनकी पूरी डिटेल मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी। ये था रिसीवेबल एजिंग्स। इसके साथ में आप सॉफ्टवेयर के अंदर और भी कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।
जैसे कि आप स्टार्ट बटन में आकर, ऑप्शंस में आकर, सिस्टम डिफॉल्ट में आकर, यहाँ पे हमें पासवर्ड स्पेसिफाई करना होगा। सिस्टम डिफॉल्ट के अंदर आप अलग अलग चीजों को सॉफ्टवेयर के अंदर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपनी इन्फो के अंदर आपको अपनी फर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसके अंदर आप उनको स्पेसिफाई करके सेव कर सकते हैं। पोस्टिंग अकाउंट एंड बारकोड्स के अंदर आप अपने पोस्टिंग अकाउंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं और बारकोड को सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट इन्फो के अंदर आपको प्रोडक्ट की क्या क्या डिटेलिंग आपको चाहिए और क्या क्या चीजें एक्सेस करनी है उनको टिक और अनटिक करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। रिटेल जी सेटिंग के अंदर आप अपनी राउंड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स, कैप्शन मास्टर्स और एड्रेसेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, चालांस और अपने पेमेंट से रिलेटेड और अपनी रेट्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस को स्पेसिफाइड कर सकते हैं। रेट एंड वैल्यूएशंस के अंदर आप अपनी कॉस्ट रेट्स और डिस्काउंट ऑफर को मेंटेन कर सकते हैं। फॉन्ट्स एंड प्रिंटर के अंदर आप अपने प्रिंटर और अपने जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको सेट कर सकते हैं। पेरोल के अंदर आप अपने पेरोल मास्टर्स को सेट कर सकते हैं। कैप्शन मास्टर के अंदर अगर मान लीजिए आपको नेम ऑप्शन, जैसे सेल और परचेस के अंदर जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, वहाँ नेम की जगह इंग्लिश में नहीं चाहिए, आपको मराठी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेजेस में आपको वो नेम ऑप्शन चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं मराठी, बंगाली, अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं तब वो कैप्शन मास्टर में चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आप अपने पासवर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये थे सिस्टम डिफॉल्ट्स के कुछ ऑप्शंस जो कि आप अपने एंड पे यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑप्शंस में आकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो आप अपना डेटा जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आप ट्रांजेक्शन में आकर अपने ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाउचर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं तो आप वाउचर्स कर सकते हैं। अगर आप अपने ट्रांजेक्शन को टैली के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फॉर्मेट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्सपोर्ट डेटा फॉर आवाज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी कोई परचेज है उसको आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में चढ़ाना चाहते हैं, तो वो स्टैंडर्ड आवाज फॉर्मेट में अगर हो तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली चढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको आवाज फॉर्मेट जरूरी है। आवाज फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि ऑल ओवर इंडिया सेम है। उसी के साथ अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कोई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, टैक्स कैटेगरीज, मार्केटिंग ग्रुप, एट्रीब्यूट, कलर, स्टॉक लोकेशन, HSN कोड्स वगैरह, तो आप ये भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपकी लोकेशंस को अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है अलग अलग कैटेगरी वाइज, लाइक रीजन, एरिया, लोकेलिटी, स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, तो आप वो भी कर सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर आप अपने अकाउंट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंटल क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, गेस्ट यूजर को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सिक्स ऑप्शन के अंदर आप कस्टमर्स, वेंडर्स, बैंक, क्रेडिट कार्ड टाइप, कैरियर्स, कूपन्स, नरेशंस, करेंसी, प्रमोशंस, यूजर डिफाइंड फॉर्म्स, यूजर डिफाइंड क्वेरीज, CSV फॉर्मेट्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस मिलेंगे आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम देखेंगे RetailGraph के अंदर रिपोर्ट्स पार्ट। तो ये मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके रिपोर्ट्स ऑप्शन में आकर सेल्स रिपोर्ट में आकर प्रोडक्ट वाइज सेल्स को ओपन करूंगा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप जितनी भी रिपोर्ट देखेंगे उनको देखने का तरीका, एक्सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। सारी रिपोर्ट्स एक जैसी होगी दिखने में, ऊपर के ये फिल्टर्स चेंज होते रहेंगे हर रिपोर्ट में, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी, कब से कब तक की रिपोर्ट देखनी है, समरी देखनी है, डिटेल देखनी है, मंथ वाइज देखनी है या डे वाइज देखनी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन की आपको रिपोर्ट देखनी है। साथ में आप सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर सीरीज की आपको ये रिपोर्ट देखनी है। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे, जैसे कि कैटेगरी ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग कंपनी वाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग, ब्रांड, एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट साइज, स्ट्रेंथ, डिस्क्रिप्शन,
इतने सारे ऑप्शंस के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही आपको लोकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप टिक और अनटिक करके अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन की आपको रिपोर्ट देखनी है। रिफ्रेश करने पे आपको उस लोकेशन जिस पे आपने टिक कर रखा है उसकी पूरी डिटेल्स प्रोडक्ट्स यहाँ आ जाएंगे। आप इनको भी डी सेलेक्ट और सेलेक्ट करके पर्टिकुलर ऑप्शन या फिर सबको एक साथ देख सकते हैं। सारी फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद हमें इसे ओके करना होगा और व्यू करना होगा, तो आपकी रिपोर्ट उस अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के अंदर ये कॉलम जो हैं वो आपको कम लग रहे हैं, तो आप माउस का राइट क्लिक करके सेट ग्रेड लेआउट ऑप्शन में आकर जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए उस पर टिक करके इसे सेट कर सकते हैं रिपोर्ट को। इसे सेव करने पे और व्यू करने पे आपके वो कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। इन कॉलम्स को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे और पीछे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट फॉर्म में देखना है तो आप चार्ट फॉर्म में भी इसे देख सकते हैं, बार, कॉलम, एरिया, लाइन, स्कैटुलर, पाई, तो इनके थ्रू भी आप इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो माउस का राइट क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, जो भी आप फॉर्मेट में आपको ये रिपोर्ट चाहिए। इस रिपोर्ट को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको कैटेगरी ब्रांड वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो कैटेगरी ब्रांड पे टिक करके मैंने इसे व्यू किया तो मेरी जो रिपोर्ट है वो कैटेगरी ब्रांड वाइज आ जाएगी। मान लीजिए आपको कैटेगरी प्रोडक्ट वाइज देखनी है तो कैटेगरी और प्रोडक्ट पे क्लिक करके मैंने व्यू किया तो मेरी कैटेगरी प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस। एनालिसिस के लिए मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, एनालिसिस ऑप्शन में आके प्रोडक्ट वाइज सेल्स को ओपन करूंगा। एनालिसिस के अंदर आपको ये फायदा होता है कि आप रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बना सकते हैं, उसके रोज, उसके कॉलम सेट करके। अब इसे कैसे बनाते हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहां से फील्ड के अंदर से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा, जो जो ऑप्शंस आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर चाहिए। तो आप जैसे जैसे जिन जिन ऑप्शंस को टिक करेंगे वो आपके एनालिसिस ग्रिड के अंदर ऐड होते रहेंगे। साथ ही मान लीजिए आपको ब्रांड ऑप्शन कॉलम्स में चाहिए तो आप ड्रैग करके कॉलम्स में ब्रांड को डाल दीजिए, तो आपकी रिपोर्ट भी उसी अकॉर्डिंग बनती रहेगी। मान लीजिए कैटेगरी जो है वो आपको फिल्टर्स में डालनी है, तो कैटेगरी डाल के कैटेगरी को ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया फिल्टर्स में, तो आपकी उसी अकॉर्डिंग आपकी साइड में रिपोर्ट भी बनती रहेगी। मान लीजिए मंथ मेरे को कॉलम्स में चाहिए तो मैंने ड्रैग करके मंथ को कॉलम्स में डाल दिया, तो मेरी रिपोर्ट भी उसी अकॉर्डिंग बनती रहेगी। ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल प्राइवेट टेबल की तरह से काम करती है। आप इसका चार्ट फॉर्म भी देख सकते हैं और इसका रॉ डेटा भी देख सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस ऑप्शन काम करता है। तो ये था प्रोसेस रेटेलग्राफ का गारमेंट स्टोर के अकॉर्डिंग। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.swildesk.com पे या फिर www.swindia.com पे।